दबंग किराएदार से परेशान पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से लगाई न्याय की गुहार। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरोहितेना निवासी प्रणता दीक्षित पत्नी स्वर्गीय राजा बाबू दीक्षित ने किराए पर रह रहे व्यक्तियों को गुंडा और सातिर किस्म का अपराधी बताया है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आज दिन शराब पीते हैं, बा अवैध कारोबार करते हैं और माँ बेटियों को देखकर गंदी गंदी गालियां देते हैं। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? रविता दीक्षित। आज आप एसपी साहब से मिले हैं, किस मामले को लेकर मिले? इसी मामले से मिलेंगे, वो आके गाड़ी का पर देते हैं। कौन कौन? बल्लन तिवारी, बल्लन। अच्छा, बाथम। ये कहाँ रहते हैं? जी हमारे मोहल्ले, मेरे घर के सामने ही। अच्छा, हाँ। क्या कैसे किस्म के? ये दबंग किस्म के लोग हैं क्या? दबंग किस्म के, हम अगर कुछ कहें तो वो तो अपनी बाथम के दरिया से निरे लोग वहाँ इकट्ठे कर लेते हैं 20-50। हम तो एक अकेले आदमी तो मेरे है नहीं है, मेरे दो बच्चे हैं और हम हैं अकेले बस। अच्छा, क्या मकान बना है वहाँ पर उनका या किराए पर रहते? किराए पर रहते हैं। अच्छा। और मकान मालिक ये कह रहा है कि हम इसीलिए बसाए कि तुम लोगों को दुखी रख के। अच्छा, बदतमीजी किस तरीके की बदतमीजी की जाती है? इस तरीके देता है कि सुनने में शर्म लगती है, कानों में रुई लगा लो। अच्छा, तो अभी आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब ने कह दिया हम करेंगे कार्रवाई, आप चलो। सर जी, बल्लन रहते हैं हमारे, मतलब मकान के पास में किराएदार हैं, तो वो आए दिन बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, हमारी माँ बेटियों को उठवाने की और बेचने की बात करते हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो? बल्लन कश्यप। अच्छा, हाँ। और मेरे लड़के को उठवाने की धमकी दी है हमें, और आए दिन गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और शराब पीते हैं, पिलाते हैं, सबको परेशान करते हैं सर। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? थाना मोहल्ले में, पुरानी में। अच्छा, वो भी क्या निवासी वहीं के हैं? नहीं, किराएदार हैं सर। किराएदार हैं और वो मतलब सात किस्म के लोग हैं, आए दिन मतलब अफीम, गांजा, चरस, शराब, ये मतलब व्यापार है उनका, चोरी करना, जेब काटना, और इन लोगों से मतलब बदतमीजी की। किस तरीके की बदतमीजी? हाँ, बहन की मतलब गाली देते हैं कि मतलब 5-4 रुपए में इसको मतलब पकड़वा लेंगे, उसको मतलब निकल लेंगे, किडनैप करवा देंगे। अच्छा, इस संबंध में मतलब मिलने आए। तो क्या अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या उन्होंने कहा, आश्वासन क्या दिया? अभी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? पूरा आश्वासन दिया उन्होंने। अच्छा, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कार्रवाई का? गाली देते क्यों हैं, क्या कारण क्या है? पी खा के कुछ नहीं, नशे में देते हैं, मतलब नशाबाजी उनका काम, यही काम है।